50 जो हमारे फॉरेस्ट बरादरी के ताल्लुक रखने वाले साहब हैं जिनकी गोश्त की दुकानें हैं उनको आज हम चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल लाकर यहां पर इनका कोविड का आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं मजलिस के इत्तेहाद मुस्लिमीन के साबिका रुकने बल्दिया जनाब इब्राहिम कुरैशी साहब का कि उन्होंने इसमें बड़ी पेशरफ की और जब हम इससे बात किए तो बोले कि फौरन ये जरूरी है क्योंकि बकरीद भी आने वाली है और बकरीद के सिलसिले में आप जानते हैं कि मुसलमान हजरात कुर्बानी देते हैं जानवर की और उसमें हमको इन तमाम लोगों की जरूरत पड़ती है हमारे पूरे बरादरी के साहब जिम्मेदार हैं तो इसलिए मजलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इनका आरटीपीसीआर का टेस्ट करवाया जाए ताकि हम उनकी जान को बचा सकें और साथ ही साथ जब वो अपनी दुकान पर कारोबार करेंगे तो जो लोग आते हैं इनके पास गोश्त खरीदने के लिए उनकी भी जान का तहफ्फुज़ हो सके मैं आप तमाम से अपील करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी आपकी दुकान है गोश्त की आप बराए मेहरबानी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं वहां पर जाकर जो फ्री में टेस्टिंग हो रही है मुफ्त में टेस्टिंग हो रही है अपना टेस्ट करवाएं अपना तहफ्फुज़ करें और अपने घर वालों का तहफ्फुज़ करें उनकी जान को बचाएं ये कोशिश की जा रही है और आज करीब 50 के करीब हैदराबाद पार्लिमानी हलके के मुख्तलिफ मकामात के खासतौर से याकुतपुरा और चारमीनार एक से यहां पर आए हैं हमारे बरादरी के चंद्रायन गुट्टे के भी यहां पे इनका टेस्ट करवाया जा रहा है मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपना टेस्ट करवाइए और साथ ही साथ रुकने बल्दिया पत्थरगट्टी महमूद क्वादरी से भी और हमारे कॉरपोरेटर मुजफ्फर ने मैंने कहा हूं कि पत्थरगट्टी और चारमीनार दोनों जानिब जो हमारे ठेला मंडी के कारोबार करने वाले स्ट्रीट हॉकर्स बैठते हैं करीब 400 के करीब उनकी लिस्ट है इनका भी हम इंशाल्लाह ताला इन तमाम स्ट्रीट हॉकर्स का ठेला मंडी कारोबार करने वालों का इनका भी टेस्ट करवाएंगे क्योंकि ये भी फुटपाथ पर बैठकर अपना कारोबार करते हैं तो इनकी भी जान का तहफ्फुज़ करना इनके अपराध खानदान का भी तहफ्फुज़ करना जरूरी है ये बात बिल्कुल सही है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तमाम गरीबों की नौकरियां जा चुकी हैं आमदनी में कमी हुई है मगर साथ ही साथ हमको उनकी जान को भी बचाना है और तीसरा यह है कि मैं आप तमाम से अपील भी करूंगा कि जो मुख्तलिफ टिफिन सेंटर्स हैं वहां पर जो सुबह के औकात में दोपहर के वक्त में जो लोग जाकर खाना खरीदते हैं मेरी उन तमाम टिफिन सेंटर्स के जिम्मेदारों से भी अपील है कि वो भी आकर इन गवर्नमेंट के टेस्टिंग सेंटर्स पर अपना टेस्ट करवाएं हमारे जो ऑटो ड्राइवर्स हैं टैक्सी के ड्राइवर्स हैं उनसे मेरी अपील है कि आप भी आकर अपना टेस्ट करवाएं यहां पर टेस्ट है आपका टेस्ट करवाने से आप अपनी जान की हिफाजत करेंगे अपने अफराद खानदान को इस वायरस से बचाएंगे ये बहुत जरूरी है मैं फिर से आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करिए बाहर निकलेंगे तो अपने चेहरे पर मास्क लगाइए
और घर में या कहीं बाहर रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, अपने हाथ धोते रहिए और टेस्ट करवाइए, और अगर टेस्ट में आपका खुदा ना खास्ता पॉजिटिव आता है तो फौरन अस्पताल से डॉक्टर से रुजू होकर दवाइयों का इस्तेमाल करिए। अपने आप को डॉक्टर मत समझिए और ये मत समझिए कि मैं एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाने से तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसे कई लोगों की जान जा चुकी है जो अपने आप को डॉक्टर समझकर अपना इलाज किए थे। मेरे पास ऐसे कई मिसालें मैं दे सकता हूं, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हरगिज अपने आप को डॉक्टर मत समझिए। ये वायरस बहुत खतरनाक है। 400 के करीब आवाम की जाने जा चुकी हैं तेलंगाना में सिर्फ, और पूरे मुल्क में 25,000 से ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी हैं। कई लोग अस्पताल में जेर इलाज हैं। इसलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि टेस्ट करवाइए। इसमें कोई मायूब बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी होने वाली नहीं है। ये बीमारी से नफरत करना है, बीमार से नहीं करना है। शुक्रिया।